बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम केरी की चटनी बना रहे हैं और गर्मियां हैं। आपको पता है कि गर्मियों में जब दाल चावल खाए जाएं या कोई ऐसी रोटी बनाई जाए जिसके साथ इस तरह की चटनी हो तो मज़ा ही आ जाए, है ना उजमा? मैं तो रुखी खा जाऊँ। चलो चावल ना, रोटी ना चावल, रुखी मेरी गल ही वक्री होंगी ना। हाँ, रुखी खा जाऊंगी। इतने मज़े की ये चटनी बनती है ना, केरी की चटनी। हाँ, तो इसका जो है ना, मैंने दो छोटी केरियाँ ली हैं तो इसका मैं छिलका उतार लें। अब इसको बारीक बारीक काटेंगे। टमाटर मैंने थोड़े से सख्त से लिए हैं, इसका भी छिलका उतार लें। तो तीन मैंने टमाटर लिए हैं, छोटे साइज़ के हैं ज़रा। तो धनिया पुदीना मैंने लिया है तकरीबन दो दो खाने के चम्मच धनिया पुदीना ले लें, और इसी तरह छः से सात हरी मिर्चें, और भुना हुआ अभी मैंने पीसना है इसमें मशीन में भुना हुआ एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक जैसे टेबल सॉल्ट कहते हैं ना वो, और काला नमक। इसमें लाल मिर्च या कुटी हुई मिर्च नहीं जाएगी, हरी मिर्च ही सिर्फ जाएंगी। ये बड़ी ज़बरदस्त सी चटनी एक मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो फिर मैं मिलती हूँ ये तमाम चीज़ें कट करने के बाद, ठीक है? अच्छा, ये देखें, हरी जो है हरी मिर्चें कहने लगी थी, ये जो केरी है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मशीन में डाल दें। बड़ी सख्त आदि गुठली है उसमें, सही थी जिन्हों कहते हैं ना केरी है ना। हाँ, देखे दंद बजते हैं। हाँ, देखे कितनी मोटी इसमें से वो जो है ना गुठली निकली है। असली वाली गुठली नु पंजाबी से कहना है गुठली गिटक गिटक। और किसे दिन चुप कर जा ना, कोई बुरी गल ना सुननी ना, किसी का नाम पाई दा। अच्छा चले, सही है। ये देखिए सारी मैंने केरी जो है ना काट लिए, जिन्नी 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 गिटक साफ कर सकते है ना। हाँ, जिन्नी थोड़ी साफ नहीं, मेरे को नहीं हो रही भाई मेरा होना। अच्छा, तो है जड़ी है ना, मशाला काफी बन जाएगी है ना उसमें। पता नहीं नहीं इसके छोटे हो नहीं तो ये देखना केरी नहीं है ना, मतलब हो गया थे। अच्छा, बाकी तो चीज़ें तो कुछ नहीं खास, तो तेन पता बिल्कुल ही पानी की तरह है ना, है जरा थोड़ी ठोस चाहती है। है तो जरा मेरा इन्हें घोल के पानी हो जाने, धनिया पुदीना तो जरा टमाटर जिन्हें जो कि मेरी मेहनत कर सकनी ना, मैं ए ना गिटक है ना। हाँ, गिटक से मैं ला लिए। चलो टमाटर बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह, देखो ना कितनी जल्दी बन गई है, सिर्फ कटिंग करके मशीन च पाना है। चूल्हे का काम ही नहीं ना, ना ना ना, चूल्हे वाली है ही नहीं। अरे लोग कहते बनाओ तो बस मिनी मीनू मिनी खाइए। हाँ, एक दो दिन रख सकते हो फ्रिज, तो फिर ये बंदा लौंग पा ले। तू जो मशवरे दे तू अपने। नहीं, तेरे को ही सुनिया सी लौंग पा लो खराब नहीं होती। अच्छा, हूँ मैं मशीन चला लगी हूँ। मैं जॉब नहीं देंगे, देखो मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं तैयार हो गई। इन्नी सोहनी आई है, खुशबू आई है जिसा रेसिपी कैसी लगी, और नमक की कमी बेशी हुए ना तो पा लेना इस टाइम, वो तो मैं अपने हिसाब से पाया वे, वो तुसी परवाह ना करया करो। नमक की खास तौर पे ना अपने हिसाब से रखया करो, घट या वध कई पाते ही नहीं है। ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਕੇਰੀਆਂ ਲੈ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਧਨੀਆ ਪੁਦੀਨਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਨਮਕ, ਦੋਨੋਂ ਨਮਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਲਾਤੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, देख के मुझ पानी आ रहा, लेकिन मैं नहीं खा सकती क्योंकि मैं इस टाइम मैं नाश्ता किया था, तो मैं दोपहर में इंशाल्लाह देखी जरा मैं खत्म कर दूंगी। तो ट्राई करके मैं दसना रेसिपी कैसी लगी, अपनी दोस्तों याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।